चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, और वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि किचन से रिलेटेड वीडियो है। तो किचन का कुछ सामान आज हम खरीद के लेके आए हैं जो कि मंथली होता है। वैसे तो सभी खरीदते हैं, लेकिन मैं क्या क्या खरीदती हूँ, उसमें क्या क्या होता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो दालों में, पल्सेस में मैंने लिए हैं, ये कोई फर्स्ट, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है क्योंकि ना तो इस पर किसी स्टोर का किसी का मार्क है, क्योंकि हम ऐसे ही पापा लेके आते हैं हमेशा से ही एक शॉप से, तो उससे हम ऐसे ऐसे लिफाफे में पैक करवा के लेके आए हैं ताकि कुछ ऐसा ना हो कि ये कोई किसी कंपनी का या किसी चीज़ का प्रमोशन हो। हम किसी चीज़ को नहीं करते, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी की जो होती है ना वहीं से ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐड किए हैं छोले, और पहले दालें शेयर करते हैं। छोले, काले चने, ये चने इसमें स्प्राउट्स भी बनाते हैं, और राजमा है, राजमा है, राजमा बहुत ही अच्छा बनता है ये वाला, पापा लेके आते हैं हमेशा से ही। और ये दाल होती है, मैं तो इसको हमेशा से पीक दाल बोलती हूँ, क्या दाल, कौन सी दाल होती है, मलखा होती है शायद, कुछ ऐसा कहते हैं। तो एक किलो ये ऐड करते हैं, ठीक है। और रहेगी हमारी चने की दाल, चने की दाल होती है, साथ में ग्रीन मूंग की दाल होती है और येलो होती है, ये दोनों मूंग की दालें होती हैं, सबसे ज़्यादा यही बनती है हमारे घर में, ठीक है, क्योंकि एक तो ये जल्दी बनती है और अच्छी बनती है, ठीक है। अब चलते हैं मसालों की तरफ। मसालों में मैं इकट्ठा लेके आती हूँ ज़ीरा, साबुत धनिया जिसको मैं घर पे ही पीस लेती हूँ, पिसा हुआ पाउडर कभी नहीं लेके आती, इसको धूप में सुखा के और फिर पिसवा लेते हैं। ये अजवाइन है, अजवाइन ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि अजवाइन सब्जियों में भी डलती है, पराठे वगैरह में भी डलती है, और ये बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। काली मिर्च है, फिर काली मिर्च अभी जैसे काढ़े बनेंगे और सूप बनेंगे, बच्चों की आवाज़ बाहर से एक्चुअली आ रही है तो थोड़ा सा अवॉइड करना। तो ये काली मिर्च सूप में और काढ़े जो बनेंगे सर्दियों में उनके काम आएंगी, वैसे भी सैलड वगैरह में भी इसकी यूज़ करते हैं, ठीक है। सौंफ है, सौंफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, पराठे में भी, मिस्सी रोटी में भी, और अलग अलग तरह से चाय में भी, चाय का मसाला जो बनाते हैं ना उसमें भी मैं सौंफ यूज़ करती हूँ। तो ये हल्दी है, हल्दी वैसे तो साबुत ही लेके आते हैं पापा, लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा ऐसा मॉइस्चर वाला चल रहा है तो इसकी वजह से, क्योंकि उसमें घुन लग जाते हैं काले काले से, तो पिसी हुई हल्दी ही लेके आए हैं आपके पास। तो ये हल्दी हो गई हमारी, और ये हो गई दालचीनी, दालचीनी चाय में डाल के पियो बहुत ही अच्छी रहेगी, और इसका पाउडर बना के रख लो तो वेट लॉस में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है ये दालचीनी के, बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट यूजेज होते हैं। और ये क्या है, ये क्या है, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि गरम मसाला घर पे ही बनाने के लिए मैं कुछ मसाले लेके आया हूँ, तो मुझे मसालों में दो चीज़ें ये नहीं पता, ये आप लोगों को पता हो तो मुझे ज़रूर बताना, ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों का मुझे बिल्कुल पता नहीं है। और ये हो गई हमारी मोटी इलायची, साबुत इलायची जो मोटी होती है, और इसको भी मसाले में पीसने के लिए बोल रहे हैं। और हमारी लौंग, लौंग भी अगेन सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आएगी, और लौंग को तो सर्दियों में जो बॉटल्स में पानी भर के, गुनगुना पानी करके रखते हैं ना, तो उसमें दो लौंग डाल दिया करिए, ठीक है, और उसको पिए सारे दिन पीना, तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट होता है और हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो लौंग तो मुझे चाहिए थी। और ये है देसी खांड, ठीक है, आपको कैमरे में उल्टा दिखाई दे रहा है, देसी खांड बोलते हैं इसको, क्योंकि चीनी को तो मैंने पिछले 3 सालों से बिल्कुल घर में लाना ही बंद कर दिया है, तो हम यही यूज़ करते हैं जूस में भी, चाय में भी, चाय भी बहुत अच्छी बनती है। ऐसा कई लोग सोचते हैं कि चाय अच्छी नहीं बनती होगी खांड से, तो बहुत ही अच्छी बनती है, आप ट्राई करके देखना, ठीक है, और फटती भी नहीं है, चाहे अदरक डालो, कुछ भी डालो मसाले, तो फटती भी नहीं है। तो ये देसी खांड यूज़ करते हैं हम। अब ये ड्राई फ्रूट, सर्दियों में ड्राई फ्रूट तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये है मगज़, मगज़ क्योंकि अभी गोंद के लड्डू बनाएंगे तो उसमें भी मगज़ डालेंगे, और जब रेगुलर में खीर वगैरह बनती है तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। शाही पनीर में अगर काजू नहीं हो ना तो आप मगज़ का यूज़ कर सकते हो,
तो मगज लेके आए हैं, और ये है गोंद जिसके बनाएंगे लड्डू। लड्डू बहुत ही अच्छा गोंद है ये, ऐसा कढ़ाई में डलते ही फूलता है, मतलब बहुत ही मोटा मोटा ऐसे फूलता है, बहुत ही अच्छा होता है। और गोंद के लड्डू लड़कों के लिए तो खासकर बहुत बहुत ही अच्छे होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मेरा बेटा शूटिंग करता है, तो उसकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी गोंद के लड्डू हम उसे खिलाते हैं। तो अभी सर्दियों में डालेंगे, फिर आपको बताएंगे कि अभी से ले आए, ये ले आए हैं, क्योंकि फिर बाद में एकदम से जाना नहीं होता। और किशमिश, किशमिश हलवे में भी यूज़ करते हैं, और इसको है ना रात को किशमिश को बादाम को अखरोट को काजू को दो दो चार चार पीस मैं फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग उसको भिगो दो, दूध में भिगो दो चाहे इसको काजू को किशमिश को। तो सुबह अगर खाली पेट लेते हैं ना तो बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ही ज़्यादा। जो हमारी मॉर्निंग में होती है ना फर्स्ट डाइट, वो फ्रूट की ड्राई फ्रूट की होनी चाहिए, और फिर या फ्रूट लें सीधा, चाय वगैरह नहीं लेनी चाहिए, बल्कि मैं कभी कभी सीधा ही ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, पता नहीं कैसी आदत हो रखी है। लेकिन डॉक्टर्स बोलते हैं, और जैसा कि डाइटिशियन ने बोल रखा है कि फर्स्ट डाइट आपकी ड्राई फ्रूट या फ्रूट की होनी चाहिए, तो ड्राई फ्रूट ही लेना चाहिए अगर हो सके तो, लेकिन हो नहीं पाता ना, तो इसी वजह से मेरा तो मैं तो बोल ही रही हूँ कि मैं तो सीधा ही ब्लैक कॉफ़ी पी जाती हूँ, ऐसी आदत हो रखी है। तो ठीक है, तो इसको अगर दूध में भिगो के पियेंगे ना और बच्चों को खिलाएंगे, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जो हमारी मॉर्निंग में अल्कलाइन होती है ना उसको अप करता है। ठीक है, और ये होता अंजीर। अंजीर अंजीर तो हम खाते नहीं, और ये खाते हैं मेरा बेटा और उनके पापा, तो ये अंजीर खाते हैं वही दूध में उबाल के। सर्दियों में इसके दो पीस मेरे हस्बैंड के लिए डलते हैं और दो पीस मेरे बेटे के लिए डलते हैं, तो दूध को बॉयल करते हैं फिर, और फिर इनको खाते हैं। बहुत ही मोटे मोटे हो जाते हैं ये दूध में उबल के, अंजीर बहुत ही अच्छे होते हैं बोलते हैं। ठीक है, वैसे ड्राई फ्रूट तो सारे अच्छे होते हैं। और ये है क्या है, खजूर नहीं, ये क्या है, छुहारे, छुहारे हैं छुहारे, तो छुहारे भी दूध में बॉयल करके लेते हैं। और ये हो गया हमारा नेक्स्ट गोले, तो ये गोले लेके आते हैं। गोले का कुछ तो मैं पाउडर बना दूँगी अभी कस के, और इसको मैं दलिये में, जैसे दूध वाला दलिया होता है खीर होता है, उसमें हलवे में डालूँगी, और बाकी का मैं गोंद डालूँगी तो उसमें मैं यूज़ करूँगी। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे मखाने। ठीक है, और मखाने तो मैं देसी घी कढ़ाई में डाल के एक चम्मच और मखाने डालूँगी, कुछ डाल लो सारे के सारे एक बार करने दूध में, हल्का सा सॉल्ट डाल लो, तो उससे फिर उनको हल्का हल्का फ्राई करो, बस ज़्यादा घी मत डालना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हिलाएंगे ना तो हल्के हल्के इनमें कलर चेंज होगा, और फिर खाओ उनको। बच्चों को देखते रहो, जो सारा दिन जिन बच्चों को नमकीन और बिस्किट खाने की आदत है ना, उनको आप मखाने खिलाओ, बहुत ही अच्छे होते हैं, आँखों के लिए भी होते हैं अच्छे, और हेल्दी भी होते हैं, मखाना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। अच्छा, जब खीर बनाओ आप तो खीर में मखाने डाल लो, और मखाने की सब्ज़ी भी बनती है, मैं भी ट्राई करूँगी, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे ही देखा है, और कि मखाने की सब्जी बनाई है, और दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, और उसके जो भी मैंने कमेंट पढ़े थे बहुत ही अच्छे थे, तो मैं भी ट्राई करूँगी मखाने की सब्जी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, इसमें को खीर में, दूध के दलिये में, और मैं तो जब गोंद के लड्डू बनाऊँगी ना तब उसमें भी इसको ऐड करूँगी। अभी रुकना, तो मखाने तो हमें खीर में और उसमें जब गोंद के लड्डू में बनाओगे ना गोंद के लड्डू, तो उसको इनको फ्राई करके और हल्का हल्का इनको पहले पीस लेंगे मिक्सी में एक बार डाल के घर करके, और फिर इनको मोटा मोटा जैसे ये हो जाएंगे टूट जाएंगे तो सीधा देसी घी में इनको फ्राई करेंगे और झाड़ से निकाल देंगे, तो भी ये गोंद के लड्डू में डलेंगे। ठीक है, लड्डू बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अखरोट, और ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, बहुत ही पसंद है मुझे अखरोट, पता नहीं क्यों कभी से ही पसंद है अखरोट। ठीक है, और पहले तोड़ने वाले आते थे ना, हम वही खाते थे, कितनी बार हमने अपनी उंगलियां तोड़वा ली थी उससे, क्योंकि जब भी कहीं पे वैष्णो देवी या वहाँ पे पापा लोग घूमने जाते थे ना, तो पहले जाया करते, तो वहाँ से जब कहीं भी बाहर हिल स्टेशन पर घूमने जाते पापा लोग, तो वहाँ से अखरोट लेके आ जाते। तो हमें आज भी याद है कि मेरे मायके में दादी हमें अखरोट बांट दिया करती,
ठीक है श्रुति सुनो एक बात, मैं कुछ बातें कर रही हूँ, ठीक है। अखरोट बांट दिया करती, तो फिर वो अखरोट हम जो लोहे की वो होती है ना चूल्हे में फूंक मारने वाली, उससे हम जैसे ही अखरोट तोड़ते और वो अखरोट तो भाग जाता कहीं पे और हमारी उंगली ही टूटती थी इससे, ठीक है। या फिर कई बार दरवाजे के अंदर किसी ने तोड़ के देखे हैं, कितने अच्छे अच्छे गेम थे, पता नहीं क्या क्या करते रहते थे, कितनी चीज़ों से कितनी बातें याद आ जाती है ना कई बार, इनसे कितना फील होता है ना, कोई भी मोमेंट आती है। अभी श्रुति आ गई, श्रुति ने तो कभी तोड़े ही नहीं, चलिए तो यही आए हैं और यही निकाले हैं और हमने भिगो दिए दूध में और इन्होंने खा ली या ऐसे ही खा ली, छिले छिलाए मिलते हैं पर, लेकिन हम इतने टाइट होते थे ना, वो हार्ड होते थे बिल्कुल, तब उनको तोड़ते थे दरवाजे में डाल के। श्रुति आपने दरवाजे में डाल के तोड़ा है, कब तोड़ा? सर्दियों में तोड़ा था। तो क्या हुआ, उंगली टूटी आपकी? एक बार टूटी थी। तो ऐसा होता था, कितनी स्टोरी हो जाती है ना इनसे। तो अखरोट भी हम भिगो के रख दें। अखरोट देखो वैसे एक साइंटिफिक रीज़न होता है, ठीक है, कि जो जिस शेप का होता है ना उसी पे ज़्यादा असर करता है। वैसे तो बोलते हैं कि बादाम खाने चाहिए याददाश्त के लिए अच्छा होता है, लेकिन दिमाग के लिए है ना, जो ये शेप होती है ना हमारे ब्रेन की होती है, बिल्कुल ब्रेन की होती है, हमारे जो ब्रेन में वैन होती है ना तो उनसे उनकी होती है। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसा जो फ्रूट होता है वो उसी पे ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो ये हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अब चलते हैं काजू की तरफ। काजू तो है ही रिच, तो इसके तो कहने ही क्या है, इसको तो कैसे भी खाओ, सब्जी में डालो, वैसे खाओ, रोस्टेड करके खाओ। अभी श्रुति ने फैन चला दिया तो एक और आवाज़ आपके साथ मिक्स हो जाएगी, क्योंकि इसको थोड़ी सी गर्मी लग रही है यहाँ पर, ये थोड़ी सी कैमरा लवर है तो ये आ ही जाती है कहीं ना कहीं घूम फिर के, मेरी फैमिली में ज़्यादातर यही दिखेगी आपको, तो ठीक है। और इसको आप कैसे खा सकते हो, ठीक है। और काजू कतली भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, एक बल्कि कह रही थी कि मम्मा इसकी काजू कतली बना दोगे। काजू कतली तो इसकी मम्मा पता नहीं कितनी बना पाएगी, चार ही बनेंगी मेरे से तो, क्योंकि वो भी जल जाएंगी शायद, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे काम को बहुत करती हूँ, एक बार मैं गई थी, एक्सपेरिमेंट तो बहुत ही करने आते हैं, जब लॉकडाउन हुआ तो ननद के घर चली गई थी, तो ननद के घर 15-20 किलो देसी घी का मैं कराई थी कल्याण, वहाँ पे डेली अपना बनाती थी गुलाब जामुन बनाती थी। तो एक्सपेरिमेंट यूट्यूब तो चला ही हुआ था, कितना बेसन और मैदा बिक रहा था उस टाइम पे, क्योंकि सभी गृहणियाँ जो है ना कुक बन गई थी, तो हम भी उसमें शामिल हो गए थे, चलो सब स्टेटस पे डालते थे, तो हमने भी सोचा कि हम भी डाल देंगे। तो भैया ननंद के घर पे चले गए और वहाँ पे पूरी दोपहर ही लगे रहे। एक दिन मैंने सूजी की अपनी गुलाब जामुन देखी, तो किसी वैसे बड़े कुक ने डाल रखी थी, वो एक्सपर्ट है भैया बनाने में, और हम ठहरे ऐसे ही, तो मैंने भी बनाया तो थोड़ा थोड़ा उसी के अकॉर्डिंग, और देसी घी में फ्राई कर दी, वो फ्राई करके लेकिन जैसे चाशनी में मैं डालूँ और वहाँ पे वो फट जाए। अब सब इंतजार में बैठे दोपहर में, मैंने किसी को किचन के अंदर नहीं आने दिया बिल्कुल भी, ठीक है। तो शाम को बोले कि जो गुलाब जामुन मिक्की बना रही थी वो कहाँ है, और मैं क्या करती, मैं उनको निकाल के जैसे फटे थे, ये तो अच्छे नहीं लग रहे शक्ल की, बाहर सेक्टर में बहुत सारे कुत्ते मिलते थे और उनके घर पे वो रोटी वगैरह डालती थी, तो उस बर्तन को बाहर रखा था, मैं उसमें गुलाब जामुन डाल के आती थी। मैंने कम से कम भी उस दिन आधा किलो सूजी की बनाई होगी, कम कितनी बनी होगी, दो थालियाँ भर के बनी होंगी कम से कम, और मैं वहाँ पर डाल के आ गई। और फिर भैया जब शाम को सबने देखा मैं थक के, और मैंने कहा कोई मेरे से बिल्कुल नहीं पूछेगा कि मैंने क्या बनाया था, क्योंकि कुछ नहीं बना उससे, वो बोले देसी घी में बनी थी, कुछ तो खा लेते। और मैंने कहा वो तो मैं तय करी कि बोली अगर तेरी मेरी नंद बोली तेरी सास के साथ करती ना तुम, तो बोलती ये तो ऐसे ही कल्याण करती है, सबको ऐसे ही देसी घी की गुलाब जामुन खिलाएगी। मैंने अगर सही में बाय रोड बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, सबको मिलनी चाहिए ऐसी ऐसी। और फिर लेकिन उसने कहा कि ये किचन के अंदर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो लॉकडाउन में सब सूखी रोटियाँ खाएंगे, फिर मेरा जाना बंद कर दिया। तो ऐसे ही मैं भी कभी कभी बनाऊँगी, ठीक है, आपके साथ बातें भी हो जा रही हैं। और ये हैं बादाम। बादाम गर्मियों में डेली बनते हैं मॉर्निंग के टाइम, ठीक है, कैसे बनते हैं अभी सर्दियों में नहीं बेटा, क्योंकि अभी मौसम ऐसा चिपचिपा सा टाइप चल रहा है ना, ना तो बारिश हो रही, ना सर्दी आ रही, ना गर्मी रह रही है,
तो जब भी मेरे बेटा प्रैक्टिस से आता है ना उसको गर्मी फील होती है। एक तो राइफल वाली किट पहन के वो करता है ना, तो उसमें उसको गर्मी फील होती है और गर्मी होती भी है, और एसी भी चलते हैं लेकिन फिर भी उसकी किट में उसको गर्मी लगती है। तो वो बोलता है कि मामा फिर से बादाम स्टार्ट करो। तो मैं इसको कैसे बनाती हूँ बादाम को कभी आपके साथ शेयर करूँगी, वैसे ओरली बता रही हूँ। इसमें से दो मुट्ठी भर के मैं बादाम रात को भिगो देती हूँ, ठीक है। और बादाम को आप छीलना बिल्कुल नहीं छीलना। पहले हम छीलते थे उसकी गिरियों को छीलके फिर पीसते थे। वैसे तो कुंडी और जो पत्थर की कुंडी होती है और जो उसके लकड़ी वाला होता है कुटने वाला, उससे बहुत ही अच्छे बनते हैं, लेकिन इतनी मेहनत अब हमारे बस की बात है। तो क्या करती हूँ मैं, इनको रात को भिगो के और सीधा इसको साफ पानी में धो के और इनको मैं डाल देती हूँ मिक्सी के अंदर। मिक्सी के अंदर इसमें थोड़ा सा हल्का 2 चम्मच दूध ऐड करती हूँ, और ये खांड जो देसी खांड है चीनी को यूज़ करते नहीं तो ये यूज़ करती हूँ, या फिर एक सट्टा मिश्री होती है धागे वाली, वो इसको हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक मैं मसाला बना के रखती हूँ, काली मिर्च, लौंग और सौंफ का और इलायची का, ठीक है, इलायची पाउडर और डाबर गुलाब जल, ठीक है। डाबर का तो क्या गुलाब जल ही है, तो ये हम इसमें यूज़ करती हूँ। मैं इसको बाल पीस के फिर छलनी से मैं इसको छान देती हूँ, क्योंकि जो इसका ये होता है ना छिलका होता है वो रह जाता है, कहीं ना कहीं दाना दाना सा रह जाता है, लेकिन उसको मैं फेंकती बिल्कुल नहीं हूँ। उसको मैं अपने आटे में धो लेती हूँ, यानी फुल यूज़ करती हूँ बादाम का, बिल्कुल फेंकती नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी, बहुत समझदार हूँ। वैसे क्या हुआ कि हमने कुत्तों को गुलाब जामुन खिला दी थी, लेकिन अब तो थोड़ी सी समझदारी आ गई ना, तो ठीक है। तो ये हो गए हमारे बादाम और काजू और सारे ड्राई फ्रूट आपने देख लिए हैं सबके साथ। और मैंने मंगवाई है कसूरी मेथी और उसको मैंने सुखा दिया है, उसको भी मैं पीस लूँगी या फिर मैं तवे पे करके इसको ऐसे करके डाल देती हूँ, ठीक है। और आज तो हमने यही खरीदा है, बहुत सारा सामान हो गया था। तो अभी मैंने सुबह बनाई थी कढ़ी पकौड़ा, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अभी, और देखते हैं वीडियो के इससे पहले वो डलेगी या इसके बाद में डलेगी, डालूँगी इकट्ठी, ठीक है। तो आज कढ़ी पकौड़ा बनाया था और आज मैंने शाम के टाइम भी आप लोगों के साथ शेयर किया है अपना किचन का थोड़ा बहुत सा सामान जो सर्दियों में यूज़ होता है। वैसे तो हमेशा यूज़ होता है, लेकिन ड्राई फ्रूट जो है ये गोंद वगैरह जो है ये सर्दियों में, और अंजीर ये सर्दियों में ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोलो श्रुति। बाय बाय एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय मम्मीज चैनल। थैंक यू।